नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। एमपी के बोर्ड परीक्षाओं में इस बार छात्रों को एक विषय में 2 अंकों का बोनस दिया जाएगा। इसका लाभ 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को मिलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बोर्ड परीक्षाओं के कई विषयों में त्रुटि होने पर सुधार कर मूल्यांकन के भी निर्देश दिए हैं। अब तक मूल्यांकन का 50% काम हो चुका है और 15 अप्रैल तक का मूल्यांकन का लक्ष्य दिया गया है। तो बोर्ड परीक्षाओं में बोनस अंक छात्रों को दिया जाएगा। 15 अप्रैल तक मूल्यांकन का जो काम है वो भी पूरा कर लिया जाएगा, इसे लेकर निर्देशित कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षाओं में बोनस अंक दिए जाएंगे। एक विषय में 2 अंकों का बोनस अंक मिलेगा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा में ये बोनस अंक दिया जाएगा। साफ तौर पर इसका लाभ जो है वो 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को मिलने वाला है। अब तक 50% मूल्यांकन का जो काम है वो पूरा हो चुका है और 15 अप्रैल तक मूल्यांकन का पूरा काम समाप्त हो जाएगा। 50% मूल्यांकन हो चुका है, 15 अप्रैल तारीख दी गई है, 15 अप्रैल तक मूल्यांकन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। एक विषय में 2 अंकों का बोनस अंक मिलने वाला है 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों के लिए। ये फायदेमंद रहेगा, लाभदायक रहेगा। और चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, बोर्ड परीक्षाओं में बोनस अंक दिए जाएंगे, एक विषय में 2 बोनस अंक मिलेंगे, कितना लाभ परीक्षार्थियों को 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को इससे मिलने वाला है? देखिए, मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के जो परीक्षार्थी है, 10वीं और 12वीं के जो विद्यार्थी है, उनको 2 अंक का बोनस दिया जाएगा। क्योंकि 12वीं के केमिस्ट्री और अंग्रेजी गणित में कुछ त्रुटियां थी, उत्तर में भी त्रुटियां थी। यही कारण है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने जो है ये आदेश जारी किए हैं कि उन त्रुटियों के सुधार के साथ मूल्यांकन किया जाए और उसके साथ साथ जो त्रुटियां हुई हैं उसके एवज में विद्यार्थियों का कोई नुकसान ना हो, इसलिए 2 अंक जो है, 2 नंबर बोनस देने का जो है निर्देश दिया गया है। तो अब उन छात्रों को जिन्होंने उत्तर पुस्तिका की गलती की वजह से उनके नंबर कट थे, उनको ये नुकसान नहीं होगा, उनको फायदा मिलेगा कि 2 अंक 2 नंबर जो है बोनस के तौर पर उन छात्रों को दिए जाएंगे। ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बोर्ड परीक्षाओं में बोनस अंक दिए जाएंगे, एक विषय में 2 अंकों का बोनस अंक मिलेगा, 10वीं और 12वीं के परीक्षार्थियों को इसका सीधा लाभ मिलने वाला है। अब तक 50% मूल्यांकन का जो काम है वो पूरा कर लिया गया और 15 अप्रैल की तारीख दी गई है जब मूल्यांकन का काम पूरा हो जाएगा।